रांची हिंसा में बिजली खंभे में फंसी गोली को निकालकर साथ ले गई एफएसएल की टीम। रांची में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर पुलिसिया जांच जारी है। आज सोमवार को मेन रोड में स्थित काली मंदिर के पास एफएसएल की टीम पहुंची। बिजली के खंभे में फंसी गोली को निकाला। टीम ने मंदिर के आसपास स्थित दुकानों की भी पड़ताल की। बता दें, 10 जून को काली मंदिर के पास जमकर बवाल हुआ था। एक गोली बिजली के खंभे में फंस गई थी, जिसे एफएसएल की टीम खंभे से निकाल कर अपने साथ ले गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। प्रोजेक्ट भवन से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सोरेन ने कहा कि अजीबोगरीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, इस पर पूरे संभल कर और सूझबूझ के साथ चलना होगा। आवेश में, गुस्से में अक्सर गलतियां होती हैं। शुक्रवार को रांची के मेन रोड में हुई हिंसा की जांच को लेकर 2 सदस्यीय कमेटी आज मेन रोड पहुंची। कमेटी में शामिल वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर अमिताभ कौशल और अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर मेन रोड पहुंचे। उन्होंने वहां पर कोतवाली थाना, हिंदपीढ़ी थाना, लोअर बाजार थाना, डेली मार्केट थाना के पुलिस अफसरों के साथ पूरे मेन रोड का जायजा लेते हुए दिखे। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा पर पुलिस की टीम वासीपुर गैंग के ग्रुप एडमिन की तलाश में जुटी। जिला पुलिस खुफिया इनपुट के आधार पर इस तथ्य की जांच कर रही है। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइन न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।